केंद्रीय कोयला विभाग नई भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट देर में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए। खुशखबरी की बात करें तो केंद्रीय कोयला विभाग ने एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसमें आपकी चयन कैसा होगा, सैलरी कितनी मिलने वाली है, हो कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए कंप्लीट मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। दोस्तों हम नोटिफिकेशन पर आ गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिप्लेस नंबर यहाँ पर दिया गया है, अधिसूचना यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं 20 तारीख का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके किन किन कितने कितने पद रखे गए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ इसमें आपके अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पद रखे गए हैं। जैसे कि इसमें अलग अलग पद हैं जिसमें आपकी नंबर ऑफ सीट है वो इलेक्ट्रीशियन में 190 सीट आपकी रहने वाली है, फिटर, मैकेनिकल रिपेयर, COP, यहाँ पर आपको अच्छी खासी वैकेंसीज मिल रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अगर एज लिमिट की बात करो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर से, यानी आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर से 30 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी खुद देख पाएंगे। दोस्तों आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग बहुत सारे पद रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पर 10 पद रखे गए, टनर के लिए 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 10 पद, प्लम्बर के 7 पद, फोटोग्राफर के लिए इतने पद, बुक वेंडर के लिए यहाँ पर 2 पद रखे गए। यानी दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग पद रखे गए और इसके साथ ही आपको यहाँ पर अलग पद और मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कारपेंटर और डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फूड प्रोडक्शन, यहाँ पर अलग अलग, और जनरल के लिए यहाँ पर माली, यहाँ पर देख पा रहे हैं माली के लिए भी यहाँ पर 10 पद रहने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पद रखे गए हैं। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रहने वाली है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन रखी गई है। यानी आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर खुद भी देख भी पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं अलग अलग पद मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के भी यहाँ पर आपको 5 पद मिल रहे हैं, ओल्ड एज केयर टेकर यानी जो ज़्यादा उम्र के उनके जो रखना है वो 2 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेंटर, टेलर, स्टुवार्ड, अपशोल्डर और यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए रखी गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 539 यानी 539 रहने वाली है। यहाँ पर बताया गया आवेदन की तिथि, तो दोस्तों मैं बता दूँ इसमें आपकी जो आवेदन की तिथि है वो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। अंतिम तिथि है वो आपकी 5/12/2021 रहने वाली है, यानी 5 दिसंबर आपकी इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टाइपेंड यानी ट्रेड अप्रेंटिस यानी आपको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, यानी आपको प्रति महीना है वो अलग अलग ट्रेड्स के लिए यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति महीना आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनिवार्य योग्यता है वो आपकी यहाँ पर बताई गई है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ साथ आपकी एज लिमिट है वो 20 नवंबर 2021 तक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21 तक 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होगी, यानी आपकी एज है वो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक 20 होनी चाहिए और इसके साथ ही आप 10वीं पास होने चाहिए, जिसमें यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रीशियन, फिट, ट्रेड्स इत्यादि में पदों पर मंथ प्राप्त उत्तीर्ण होना चाहिए। अब मैं बता दूँ आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो मैं बता दूँ आपको स्कूल करते हैं नीचे जाना है, यहाँ पर बताया गया आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना था। ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी लेटेस्ट के पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।